नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी किसान दोस्तों का। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा दूसरा सेशन शुरू होने वाला है बकरी पालन ट्रेनिंग का, जो कि 26, 27 और 28 को होने वाला है गंगा बकरी फार्म एंड पोल्ट्री ट्रेडर्स में, है ना। तो इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, क्या क्या सिखाया जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी फ़ीस वगैरह कितनी है, आपको कितना चार्ज लगेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला ट्रेनिंग शिविर था ना, जो पहला सेशन था हमारा, जो हमने 18, 19, 20 को रखा था, वो बहुत बढ़िया तरीके से चला, जिसमें हम लोगों ने जो भी किसान दोस्त आए हुए थे अलग अलग जगह से, उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, है ना, हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से जो है उनको ट्रेनिंग प्रदान करी है, जिसमें हमारा पहला दिन जो रहता है बकरियों के बारे में, है ना, सेड के बारे में, आपकी जो कैपिटल है, आपकी जो पूंजी है, उसको कैसे निवेश करना है इसके बारे में। फिर दूसरा दिन जो हमारा होता है बकरियों के फीड से संबंधित होता है, बकरियों की जो बीमारियाँ होती हैं उससे संबंधित, वैक्सीनेशन से संबंधित, जिसमें हम विशेषकर डॉक्टर से, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को जानकारी देते हैं, जो एक्सपीरियंस गवर्नमेंट सर्टिफाइड डॉक्टर होते हैं उनकी मदद से ये जानकारी आपको दी जाती है। आप अपने सवाल जो हैं वो इनसे पूछ सकते हैं, किसी भी बीमारी से संबंधित हो, चाहे कोई भी वैक्सीनेशन हो, इंजेक्शन कैसे लगाने हैं, किस दवाई को कितना डोज देना है, कौन कौन सी बीमारियाँ वायरल रूप से फैलती हैं और कौन सी बीमारियों को हम, है ना, अपने घरेलू उपचार करके भी ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो जो भी नए किसान दोस्त अगर बकरी पालन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ट्रेनिंग ले सकते हैं। और जो तीसरा हमारा दिन होता है उसमें हम कैसे बकरियों को सेल करना है और कैसे, है ना, परचेस करना है, अपना मार्केट कैसे बनाना है, और बकरी पालन के साथ साथ और कौन से व्यवसाय जो हैं वो किए जा सकते हैं, जिससे आपको बकरी पालन में जो लगने वाला खर्च है उसको हम कम कर सकें, क्योंकि एकदम से आपको जो है वो मुनाफा होना शुरू नहीं होता है या आपका सेल्स निकलना शुरू नहीं होता, उसमें कुछ टाइम लग जाता है, किसी के पास 1 साल का, किसी का 2 साल का समय लग जाता है। आप किस तरीके से बकरी पालन कर रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बहुत सारे किसान दोस्त लोग अक्सर खस्सी बकरों के साथ शुरू करना चाहते हैं या प्रेग्नेंट बकरियों के साथ शुरू करना चाहते हैं, तो हर एक का एस्टिमेट बताया जाता है कि आपको कितना टाइम लगने वाला है और किसके साथ शुरू करने पर कितना आपको मुनाफा होने वाला है। ये सारी जानकारी जो है वो आपको, है ना, हम ट्रेनिंग के दौरान बताते हैं, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल अनुभव भी दिया जाता है। और थ्योरी क्लासेस के जो वीडियोज़ हैं आप लोगों ने देखे होंगे, आप लोगों ने ना सर्टिफिकेशन कोर्स भी देखा होगा कि हम लोगों ने क्या किया है, 3 दिन का अनुभव प्रमाण पत्र भी दिया है। साथ ही साथ हम इसके बारे में भी जानकारी देते हैं कि कौन कौन सी सरकारी योजनाएं जो हैं वो आपके राज्य पर चल रही हैं, चाहे वो जिला स्तर पर हो या ब्लॉक स्तर पर हो, या आप अगर देखें तो जो भी अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो स्टेट वाइज आपके कौन सी स्कीम चल रही हैं, नाबार्ड के तहत कौन सी स्कीम चल रही हैं, कितना अनुदान आपको मिल सकता है और कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पूरी जानकारी जो है इस ट्रेनिंग के दौरान, 3 दिन के ट्रेनिंग के दौरान दी जाती है। मैं इसकी फ़ीस के बारे में बता देता हूँ। ये जो फ़ीस है ये 5,000 प्लस GST का है, लगभग आपका, है ना, 6,000 रुपये का खर्च है, ये आपको देना पड़ेगा। इसमें आपका एक सर्टिफिकेशन अनुभव प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा आपको, जो आगे आपके भविष्य में काम देगा। तो दोस्तों, जो भी किसान भाई बकरी पालन करना चाहते हैं वो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन पर भी आप नंबर को चेक कर सकते हैं। मैं मिलूँगा या मनोज कुमार जी मिलेंगे, हम दोनों मिलेंगे और आप संपर्क कर सकते हैं और भी अधिक जानकारी जो है वो हमसे ले सकते हैं। ये जो हमारा दूसरा बैच है ये 26, 27, 28 इन 3 डेटों पर, है ना, चालू हो गया है। बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, हम लोग अभी COVID-19 के कारण लिमिटेड सीट ही रख रहे हैं, तो आप लोग भी जल्द से जल्द आवेदन करिए और ट्रेनिंग का भाग लीजिए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।